अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फहद सईद फ्रॉम टाइम्स इंस्टीट्यूट। वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन टू। जी स्टूडेंट, आज के जो डिफरेंशियल इक्वेशन टू के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉशी यूलर इक्वेशन, या फिर हम इसको कॉशी आयलर इक्वेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट, कॉशी यूलर इक्वेशन बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशेंट से लिया गया है। तो देखते हैं कॉशी यूलर इक्वेशन क्या होती है। ए एन एक्स एन डी एन बाय डी एक्स एन, फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये कोफिशेंट हमारा जो है कांस्टेंट रिड्यूस हुआ ए एन माइनस वन। आप वेरिएबल की पावर भी देख सकते हैं एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पर डी एन वाई डी एन माइनस वन बाय डिवाइडेड बाय डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, और इसी तरह अप टू सो ऑन हमारा जो कांस्टेंट है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसी तरह से वेरिएबल की पावर भी रिड्यूस होती जाएगी और डेरिवेटिव्स के ऑर्डर्स भी रिड्यूस होते जाएंगे। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन भी हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, हम इसको वेरिएबल कोफिशेंट क्यों कह रहे हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर एन है तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी एन है। इसी तरह एक्स की पावर एन माइनस वन है तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी एन माइनस वन है। और इसी तरह अप टू सो ऑन स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर एक्स की पावर वन हुई और यहाँ डेरिवेटिव का ऑर्डर भी वन हुआ। और अब आगे बढ़ें तो हमारे पास ये कांस्टेंट आया, वेरिएबल यहाँ पर रिड्यूस हो गया। बिकॉज वेरिएबल रिड्यूस हुआ तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी कम हो गया, मतलब ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मीन्स वन, और ये एफ ऑफ एक्स है। इसी स्टूडेंट को हम स्टूडेंट इस शेप को हम कहते हैं कॉशी यूलर इक्वेशन, कि जहाँ पर वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम होगा, और वेरिएबल का होना मस्ट है ऑर्डर के साथ, डेरिवेटिव के ऑर्डर के साथ। कॉन्स्टेंट्स में स्टूडेंट हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है माइनस में या प्लस में। स्टूडेंट, इसी शेप को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ए एन एक्स एन। स्टूडेंट, मैंने क्या किया, डी एन ओवर डी एक्स को मैंने बल्कि डी एन ओवर डी एक्स की पावर एन को मैंने डी एन का नाम दिया, बिकॉज डी ओवर डी एक्स को बेसिकली डी का नाम दे रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स बेसिकली डी का नाम दे रहा हूँ, तो उसका ऑर्डर एन है तो ऑर्डर एन। ये स्टूडेंट बाय बेसिकली मैंने ओवरऑल में से कॉमन लिया है। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिखा, ये डी ओवर डी एक्स डी के इक्वल है और उसका ऑर्डर एन माइनस वन है। अप टू सो ऑन इट्स कंप्लीट बेसिस स्टूडेंट हमने वाई को कॉमन रखा। इस शेप को स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉशी यूलर इक्वेशन की, तो इस फॉर्मेट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और ए आई बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं और आई की वेरिएशन स्टूडेंट वन टू ज़ीरो टू एन तक। एफ ऑफ एक्स अगेन एक फंक्शन हो सकता है एक्स की फॉर्म में या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, और इसको हम कॉशी यूलर इक्वेशन कहते हैं। जी स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉशी यूलर इक्वेशन दिखने में किस तरह से लगेगी। अब स्टूडेंट इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में बेसिकली आप लोग इसको स्टेप्स की फॉर्म में याद रखिएगा। बेसिकली हमने इसके कुछ स्टेप्स बनाने हैं। स्टेप्स वन में स्टूडेंट आपको लेट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर टी, और इसमें स्टूडेंट एक्स डी डेल के इक्वल होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल इंटू डेल माइनस वन। सिमिलरली एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू डेल इंटू डेल माइनस वन डेल माइनस टू, और इसी तरह अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट, ये स्टेप नंबर वन में हमने करना क्या होगा, हमने एक सब्सटीट्यूशन लेट करनी है, उसके बाद एक्स डी को डेल के इक्वल करना है और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हमने किस में लेकर जाना है, इसमें कन्वर्ट करना है। बेसिकली जब हम ये कन्वर्ट कर लेंगे तो बेसिक स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड स्टेप बनेगा उसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी होगी स्टेप टू में। तो स्टेप टू स्टूडेंट हमारे पास ये रहेगा, आप ये सब्स्टिट्यूशन इसमें लेट करेंगे तो बिकॉज वेरिएबल कोफिशेंट है तो अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी होगी विद कांस्टेंट कोफिशेंट के साथ, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर चुके होंगे कांस्टेंट कोफिशेंट में। अब कांस्टेंट कोफिशेंट में जैसे ही ये स्टूडेंट कन्वर्ट हुई तो हमारे पास स्टेप थ्री में आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वन भी पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ चुके उनके लिए अगेन ये प्रोसेस होगा कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हुए स्टूडेंट हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है सी एफ
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सी से, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। और स्टेप फोर में स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम वाई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेप फाइव स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा, वाई इज इक्वल टू वाई सी, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। स्टूडेंट ये बेसिकली हमारे फाइव स्टेप्स हैं जो हम इसके सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। स्टेप नंबर वन, सब्स्टिट्यूशन लेट करनी है। सब्स्टिट्यूशन लेट करने के बाद हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉशी यूलर इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। उसके बाद जब जैसे ही वो स्टूडेंट कन्वर्ट हुई तो उसके लिए उसके बाद हमें ये दो स्टेप्स निकालने होते हैं, वाई सी एफ और पी आई, यानी कि आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं वाई सी फाइंड आउट करना है और वाई पी फाइंड आउट करना है। और जनरल सॉल्यूशन हमने इसका वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में लिखना होगा। चलिए स्टूडेंट इन स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जितना ऑर्डर है डेरिवेटिव का और वही वेरिएबल की पावर है, इट मींस वेरिएबल कोफिशेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और इसमें कांस्टेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट, यहाँ वन है, यहाँ माइनस टू है और यहाँ टू है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी, क्लियर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट आप इसका ऑर्डर देखें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी प्लस टू इंटू ओवर ऑल स्टूडेंट वाई कॉमन हमारे पास इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कहकर रोक देंगे। ये काशी यूलर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉशी यूलर इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने बात की यहाँ पर कि आपने लेट करना है x इज इक्वल टू ई टी, और उसके बाद हम यहाँ पर ही लिख देते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो तो आपने डेल इंटू डेल माइनस वन को सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर आपके पास एक्स डी हो तो आपने डेल को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखने वाले हैं, डेल इंटू डेल माइनस वन माइनस टू। जी स्टूडेंट्स एक्स डी इज डेल डेल प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टूडेंट्स एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी, इट मीन्स हमारे पास ई रेज टू द पावर थ्री टी आएगा, बिकॉज अगर मैं बोथ साइड्स यहाँ पर क्यूब ले लूँ तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्री टी, क्लियर ओके। जी स्टूडेंट अब ये देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेल स्क्वायर माइनस डेल माइनस टू डेल प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्री टी। तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर माइनस थ्री डेल प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्री टी, ये स्टूडेंट हमारे पास आ चुका। अब आप इसको देखिए ये नॉन होमोजीनियस का मतलब राइट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम इसको नॉन होमोजीनियस बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन चुका है, यहाँ वेरिएबल आपको नज़र नहीं आ रहे। अब इसको स्टूडेंट इक्वेशन टू का नाम देते हैं और बताते हैं कि इट इज़ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोऑफिशिएंट। तो स्टूडेंट
अब हमारा स्टेप नंबर टू स्टार्ट होगा, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप था। आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा स्टेप वन कंप्लीट हुआ। तो स्टेप टू कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमें YC और YP निकालना है। स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पर रेज कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, CF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली स्टूडेंट CF फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना है। देखिए, डेल स्क्वायर माइनस 3 डेल प्लस 2, इसको स्टूडेंट यहाँ y का सिंबल से yc से रिप्रेजेंट करेंगे, इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने जब CF फाइंड आउट करना है तो इसकी राइट हैंड साइड जो है आपने होमोजीनियस बेसिकली बना देना है इसको, बिकॉज नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए हमें इज इक्वल टू ज़ीरो दिखाना है ताकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकले, YC फाइंड आउट हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टेप हुआ करता है कि हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी स्टूडेंट और कुछ नहीं तो जस्ट हमने डेल की जगह पर m वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। YC एलिमिनेट हो गया ऑक्सिलरी में, m जहाँ जहाँ आपको डेल दिखेगा वहाँ आपने m को सब्स्टिट्यूट किया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m में, तो हम इसकी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। और फैक्टर्स हमारे पास माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ। और m स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कॉमन है, m माइनस 2 माइनस 1, m माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m स्टूडेंट हमारे पास 1 आ चुका और यहाँ से m हमारे पास 2 आ चुका। तो ये दो आंसर स्टूडेंट्स निकल आए। और आप जानते हैं कि हमारे पास जब हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें हमारे पास जब रूट्स हमारे पास रियल आ जाएं और अनइक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन किस तरह से हुआ करता है, बाय सी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर एम वन टी प्लस सी टू ई रेज टू द पावर एम टू टी हुआ करता है। क्लियर? तो देखिए एम वन और एम टू आप किसी को भी नाम दे सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बना स्टूडेंट YC का C1 e raise to the power m1t, स्टूडेंट m1 में 1 को कह रहा हूँ तो 1 यहाँ पर 1 into t हुआ, C2 e raise to the power m2t। ये स्टूडेंट हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया YC का। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें स्टेप, ये हमारा स्टेप टू कंप्लीट हुआ। स्टेप थ्री में स्टूडेंट हमें क्या करना है, YP को फाइंड आउट करना है। तो YP स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए स्टेप थ्री, तो PI बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। तो PI का स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है आप उसको YP से रिप्रेजेंट भी करते हैं, 1 ओवर कैपिटल F डेल इंटू एफ ऑफ टी। बेसिकली एफ ऑफ डेल मैंने क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन डेल में है, अदरवाइज हम एफ ऑफ डी रिप्रेजेंट करते हैं अगर डेरिवेटिव में हो, डी की फॉर्म में हो। मतलब ये इक्वेशन जिस फॉर्मेट में है हमने उसी फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टूडेंट वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं, वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल एफ डेल, एफ डेल इज डेल स्क्वायर माइनस 3 डेल प्लस 2। एफ ऑफ टी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी आपने स्टार्ट में जब वैल्यू को सब्सिट्यूट किया था यहाँ पर तो हमारे पास वो एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी हुआ था स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3t। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ टी है तो हम यहाँ पर ई रेज टू द पावर 3t को लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलें अब मैं इसको रेज कर दूँगा। जी स्टूडेंट अब यहाँ देखिए हमारे पास इस YP को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का जो रूल है वो ये है कि आपने एक्सपोनेंशियल की जो पावर a है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हमारा आंसर
लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूट करने पर अगर हमारा आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें वन टाइम ये यहाँ पर लिखना है ए को और उसका डेरिवेटिव ले लेना है। क्लियर हो रही है बात? चलिए मैं बता दूँ आपको, वाई पी इज इक्वल टू स्टूडेंट थ्री को आपने सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए आंसर ज़ीरो तो नहीं बन रहा, नाइन माइनस नाइन प्लस टू ई रेज टू द पावर थ्री टी, वाई पी इज इक्वल टू वन बाय टू ई रेज टू द पावर थ्री टी। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर थ्री को जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, अगर हमारा यहाँ आंसर ज़ीरो बनता तो फिर मैं यहाँ क्या करता, मैं यहाँ थ्री वन टाइम लिख कर और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेता। इसका मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रहा था कि अगर आप जब e की पावर a को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो आपका यही आंसर है। अगर ज़ीरो बन रहा है तो फिर हमें उसको वन टाइम क्या करना होगा, उसका डेरिवेटिव लेना है और a को वन टाइम लिखते हुए। लेट्स सपोज उसके बावजूद भी ज़ीरो बन रहा है तो अगेन आपने थ्री को वहाँ लिखना होगा ऊपर पावर में और एक बार एक फिर डेरिवेटिव लेना है। यानी कि तब तक आपने वो अमल करते रहना होगा जब तक कि हमारा कोई ना कोई वेल डिफाइंड आंसर ना आ जाए। तो हमारे इस केस में तो फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर आ चुका है। क्लियर हुई बात? तो ये स्टूडेंट हमने वाई पी फाइंड आउट किया। अब जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, स्टेप फोर पर आएंगे। स्टेप फोर, तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। y इज इक्वल टू वाई सी स्टूडेंट हमारा है c1 e रेस टू द पावर t प्लस c2 e रेस टू द पावर 2t प्लस प्लस 1 बाय टू e रेस टू द पावर 2t। जी स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ? बट अभी भी हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज आप जानते हैं कि जिस भी मैथ में हम जब भी लेट करते हैं उस लेट को वापस पुट भी किया जाता है, बिकॉज क्वेश्चन तो एक्चुअल में हमारे पास एक्स टर्म में था। तो इट मीन्स हमने जो आंसर बनाया वो तो टी टर्म में बनाया, टी वेरिएबल में बनाया। इट मीन्स जो हमने चीज़ लेट की थी वो वापस भी करनी होगी। तो स्टूडेंट याद कीजिए कि लेट हमने क्या किया था, बट हम यहाँ लिखेंगे बट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर टी। तो स्टूडेंट हमने लेट किया था x को e की पावर 3t, e की पावर t में। तो वापस आप जाकर क्वेश्चन को रिप्लेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर c1 x को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा जबकि e रेज टू द पावर 2t है। इसका मतलब है अगर मैं इस x के ऊपर स्क्वायर ले लूँ बोथ साइड्स तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि e रेज टू पावर 3t है तो इसी के ऊपर अगर मैं क्यूब ले लूँ स्टूडेंट लेट की हुई चीज़ के ऊपर तो ये 3t मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन बाय टू प्लस वन बाय टू ई रेज टू द पावर थ्री टी इज इक्वल टू एक्स थ्री एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो बेसिकली स्टूडेंट हमने यहाँ पर जब वाई पी इसको फाइंड आउट करना है तो वाई पी में जो एफ ऑफ टी है उसकी नेचर को देखना पड़ेगा हमें कि आया कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या वो पॉलीनोमियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल और पॉलीनोमियल दोनों मल्टीपल के केस में आ गए या ट्रिग्नोमेट्रिक अकेला फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमें ये पता है कि हम इसमें थ्री को सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की यानी कि e की पावर ए एक्स ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे कि क्या आंसर हमारा ज़ीरो तो नहीं बन रहा। ज़ीरो नहीं बन रहा तो वही हमारा आंसर होगा वाई पी का। अगर ज़ीरो बन रहा है तो ए को वन टाइम लिखकर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे की तरफ वन टाइम, और इसी तरह से जब तक कि ज़ीरो ना आए हमने तब तक की इसकी डेरिवेटिव लेते जाना। इसी तरह स्टूडेंट हम और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे पास जो एफ ऑफ टी है यानी कि जो राइट साइड में जो हमने लेट कर की हुई चीज़ थी वो हमें डिफरेंट मिलेगी और वाई पी का क्राइटेरिया भी हमारा डिफरेंट रहेगा, जबकि वाई सी सब के लिए स्टूडेंट सेम रहेगा। हर क्वेश्चन में वाई सी फाइंड आउट करने का सेम मेथड रहेगा, जबकि वाई पी कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता रहेगा। क्लियर हुआ? चलें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू को स्टूडेंट मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्स फोर डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कॉशी यूलर इक्वेशन की शेप में बनाना होगा। तो कॉशी यूलर इक्वेशन की शेप में बनाने के लिए स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि हमें इसे कैपिटल डी की फॉर्म में लिखना है, एक्स फोर डी फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब डी थ्री प्लस नाइन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी प्लस वन, बिकॉज हम इन सब टर्म्स में से वाई को कॉमन लेने वाले थे और वो हमने लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये सेम एज इट इज़, ये हमारी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर वन बनी और ये कॉशी यूलर इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई। इट इज़ कॉशी यूलर इक्वेशन। स्टूडेंट स्टेप नंबर वन हमारे पास कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि हमें लेट करना है x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्लेस पर तो log x है, इट मीन्स मैं अप्लाई करता हूँ log x बोथ साइड्स। तो आप जानते हैं कि e और log कैंसिल हो गए, तो log x इज इक्वल टू हमें क्या मिला स्टूडेंट, t मिला। और सब्स्टिट्यूशन में देखिए तो हमारे पास x4 d4 है तो xd है। चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर बाय स्टार्ट करते हैं कि xd हम जानते हैं डेल के इक्वल है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हम जानते हैं डेल इंटू डेल माइनस वन के इक्वल है, इसी तरह से एक्स क्यूब डेल क्यूब स्टूडेंट डेल इंटू डेल माइनस वन डेल माइनस टू के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं अगर डिग्री थ्री है इसकी तो एक कम होगा डेल माइनस टू होगा, और डेल फोर डी एक्स फोर डी फोर डेल इंटू डेल माइनस वन डेल माइनस टू एंड डेल माइनस थ्री। जी स्टूडेंट ये वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसकी स्टूडेंट हम, तो डेल इंटू डेल माइनस वन डेल माइनस टू डेल माइनस थ्री प्लस सिक्स डेल इंटू डेल माइनस वन डेल माइनस टू प्लस नाइन डेल इंटू डेल माइनस वन एंड प्लस थ्री डेल प्लस वन। ये स्टूडेंट हमने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल टू वन प्लस, जी स्टूडेंट log x किसके इक्वल है t के, तो ये t आया log x t के इक्वल है और ये उसका स्क्वायर। क्लियर हो गए स्टूडेंट? जी तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसका फाइनल डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, डेल फोर प्लस टू डेल स्क्वायर प्लस वन, और ये स्टूडेंट हमारे पास y इज इक्वल टू वन प्लस टी होल स्क्वायर का। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो स्टेप वन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशेंट बन चुकी है स्टूडेंट, कांस्टेंट कोफिशेंट। जी स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमें इस वाई पी और वाई सी फाइंड आउट करना है, तो स्टेप टू में आ जाएं। स्टेप टू में हम सी एफ फाइंड आउट करेंगे, सी एफ को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम इसको वाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी एफ में स्टूडेंट हमें कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इज इक्वल टू ज़ीरो करना है,
बिकॉज ये होमोजीनियस बन सके, तो डेल फोर प्लस टू डेल स्क्वायर प्लस वन वाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनवाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू ज़ीरो, और आप इसको टू टाइम्स लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वन, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ चुकी हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हमें एक फार्मूला मौजूद है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हैं और इक्वल भी हैं। तो वाई सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू टी कोस बी टी प्लस सी थ्री प्लस सी थ्री प्लस सी फोर टी साइन बी टी और इनटू ई रेस टू द पावर ए टी। ये स्टूडेंट हमारे पास जब दो रूट्स आए और वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हों और इक्वल हों, तो हमारे पास वाई सी फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन है। तो चलिए इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि वाई सी फाइंड आउट किया जा सके। सी वन प्लस सी टू टी कॉस बी टी, स्टूडेंट बी हमारे पास ए प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स में, तो बी आपके पास स्टूडेंट वन है, तो हम लिख सकते हैं कॉस टी सिमिलरली प्लस सी थ्री प्लस सी फोर टी इंटू साइन टी एंड ए। व्हाट इज ए? ए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है, बिकॉज रियल नंबर हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो ज़ीरो ई रेज़ टू द पावर ज़ीरो मीन्स वन, तो हम इसको इस तरह से आंसर को छोड़ देंगे। ये हमारे पास वाई सी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें वाई पी फाइंड आउट करना है, तो वाई पी फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। वाई पी इज इक्वल टू वन ओवर कैपिटल एफ डेल इंटू एफ ओ टी। तो स्टूडेंट वाई पी हमारे पास आया वन ओवर एफ डेल, स्टूडेंट एफ डेल इज डेल फोर प्लस टू डेल स्क्वायर प्लस वन डॉट एफ टी। वट इज एफ टी स्टूडेंट? वन प्लस टी होल स्क्वायर। ये रहा स्टूडेंट हमारे पास एफ टी। जी स्टूडेंट, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, वन वन प्लस टू डेल स्क्वायर प्लस डेल फोर रेज टू द पावर माइनस वन, वन प्लस टी होल स्क्वायर सेम एज इट इज। ये किस तरह से किया स्टूडेंट, देखें, मैं जस्ट ऊपर लेकर गया जिसकी पावर वन हुई और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बिकॉज ये जब पॉलिनोमियल हमारे पास आ चुका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वन प्लस एन एक्स की फॉर्म है, यहाँ बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की जाएगी। पॉलिनोमियल अगर हमारे पास एफ टी आ जाए तो हम उसमें क्या किया करते हैं स्टूडेंट, बाइनोमियल सीरीज का यूज़ किया करते हैं। बाइनोमियल सीरीज वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट इसीलिए मैंने इसको अरेंजमेंट में लिखा, बिकॉज मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड की शेप देनी थी। ओपन करते हैं स्टूडेंट इसको, वन प्लस एन एन एक्स, ये स्टूडेंट वन प्लस एन एक्स आ चुका। स्टूडेंट मैं इसे आगे ओपन नहीं करूँगा, आपने ये देखना है कि हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आपने ये जो टर्म्स ओपन करनी है पॉलिनोमियल की डिग्री को देखते हुए करनी है।
तो मेरे पास वन प्लस एन एक्स पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेल फोर आ चुका है, तो मैं इसको रिड्यूस करूँगा लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा। बात समझ आ रही है? मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट, हमने पॉलिनोमियल की डिग्री को देखते हुए अपनी बाइनोमियल सीरीज की टर्म्स को एक्सपेंड करना है और जहाँ तक की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए हम वहाँ तक का रखेंगे। तो ये स्टूडेंट हमें मिला वाई पी इज इक्वल टू वन माइनस टू डेल स्क्वायर ओनली। प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट ये टर्म हम यूज़ करेंगे बिकॉज पावर टू है और ये टर्म हमारी निगलेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसको फाइंड आउट करते हैं, वाई पी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हुआ वन प्लस टी होल स्क्वायर, वन प्लस टी होल स्क्वायर माइनस टू डेल स्क्वायर वन प्लस टी होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट यहाँ डेल मीन्स डेरीवेटिव है तो आप इसका टू टाइम्स डेरीवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा वाई पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। स्टूडेंट मैंने इसको भी साथ ही ओपन किया माइनस टू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट लेंगे पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, लाइक पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, एक कम किया स्टूडेंट वन हुआ डेरिवेटिव इनर पार्ट, इनर पार्ट का हमारे पास फिर वन हुआ और इसका सेकेंड जब हम डेरीवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास कोफिशेंट रहेगा और ओनली टी का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो सिर्फ टू ही मिलेगा। तो मैंने इसलिए इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ले लिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा इसे, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस फोर एंड हेयर इट इज टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री, दिस इज आवर वाई पी। जी स्टूडेंट फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हम, स्टेप नंबर फोर पर आएंगे। स्टेप नंबर टू में हमें वाई सी फाइंड आउट किया, स्टेप थ्री में हमने वाई पी फाइंड आउट किया। स्टेप फोर है हमारे पास वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई इज इक्वल टू वाई सी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सी वन प्लस सी टू टी इंटू कॉस टी प्लस सी थ्री प्लस सी फोर टी इंटू साइन ऑफ टी एंड प्लस वाई पी स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट किया है, वाई पी टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री। तो स्टेप नंबर फाइव पर आएंगे स्टूडेंट, स्टेप नंबर फाइव पे हमने क्या करना है, हमने वापस सब्स्टिट्यूशन को करना होगा। तो हमने स्टूडेंट लेट किया था स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी को लेट किया था, उसके बाद हमने यहाँ पर बोथ साइड्स पर स्टूडेंट्स लॉग लगाया था तो लॉग एक्स यहाँ पर टी के इक्वल आया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट हमें टी चाहिए वहाँ हमने क्या यूज़ करना है, लॉग एक्स को यूज़ करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास स्टेप फाइव वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू टी, व्हाट इज टी स्टूडेंट, टी इज लॉग एक्स, इसी तरह प्लस सी थ्री प्लस सी फोर टी, सॉरी मैंने ये वैल्यू पुट नहीं की, कॉस टी टी स्टूडेंट लॉग ऑफ एक्स प्लस सी थ्री, यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट प्लस सी थ्री प्लस सी फोर टी, टी इज लॉग एक्स साइन ऑफ टी, टी अगेन लॉग एक्स हुआ स्टूडेंट प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट टी हमारे पास लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस टू टी, बट इज टी स्टूडेंट टी इज अगेन लॉग एक्स माइनस थ्री। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इंशाल्लाह इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।